झंड क्या मेरा मो होली के कार्यक्रम में उपस्थित सभा में बैठे मेरे बुजुर्गवार नौजवान साथी और गंगा के समान पवित्र मेरी माताएं बहने, ये किस्सा कीचकवध श्रोता आप सुन रहे हो, जिसके गायक कलाकार हैं महाशय अमित कुमार तेवतिया, बच्चू सिंह और साथ दे रहे हैं विनोद कुमार तेवतिया, गजे सिंह तेवतिया और ढोलक पर संगत दे रहे हैं शक्ति सिंह तेवतिया नयावास और छोटा भाई लव चौधरी, जो कि पीछे बोल रहा है और चिमटा पे अपनी संगत दे रहे हैं और साथ में है प्रिंस तेवतिया। आइए उससे पहले एक भेंट और सुमरते हैं गुरु को। महाभारत में बात उस मौके से होगी कि जब पांचों पांडव और द्रौपदी अपना भेष बदल लेते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं और राजा कवल ने इनके यहां विराट नगर में अपना अज्ञातवास काटते हैं। लेकिन विधाता का लेख देखिए कि वो पापी कीचक उन्हें वहां भी छानी नहीं रहने देता और मोहित हो जाता है द्रौपदी पे। रानी सुदेशना का श्रृंगार करने वाली वो द्रौपदी सालंदरी के नाम से वहां दासी बनी बैठी थी, तो कहने लगा कि बहन तुझे इस सालंदरी को अपनी दासी को मेरी मठी पर भेजना है मदरा का प्याला लेकर के। लेकिन वो तो महारानी थी, वो दासी कहां, बता देती है सब बात जाकर के भीमसेन को अपने पति को जो रसोई का काम करते थे। और भीमसेन जनाना भेज कर लेते और सालंदरी बनके वो दासी के रूप में कीचक से मिलने के लिए चल देते हैं। उधर वो कीचक भी बेचैन है और किस प्रकार से रहा देख रहा है सालंदरी की। क्या लिखा कवि ने, खुशी मनाता
कब वो अपने मन की बात कहे। लेकिन उधर वो भीमसेन जो जनाना भेष धर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं मंडी पर आने के लिए सालंद्री बनके, किस प्रकार से इंतजार कर रहा था सालंद्री का, तो जैसे ही उसने आवाज सुनी पायल की तो खुश हो गया कि अब तो सालंद्री आ गई। परंतु उसे क्या पता था कि यह सालंद्रा आ गया, पहचान नहीं पाया और कहने लगा कि जो जो गलती मुझसे राजा कवल नैन के दरबार में हुई है मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। और किस प्रकार से कह रहा है, हे हुई गलती मुझसे मारी।
मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ और तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ। यानी कि वो कीचक का बुरा समय आ लिया और पहचान नहीं कर रहा कि कौन है और किस प्रकार से बुला रहा है सालंत्री को। कहने लगा सालंदरी से कि बाहर क्यों खड़ी है, महल के अंदर आ। इंतजार कर रहा था और समझ नहीं रहा कि ये भीमसेन है या सालंदरी है, कितना मदंद हो गया। उधर भीमसेन कीचक की सब बात सुन रहे थे और गुस्से में लाल हो गया।
भीमसेन द्वार पे खड़े हैं और किस प्रकार उस कीचक के पूरे चरित्र को देख रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं। किस प्रकार से लिखा कवि ने, अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। इस बात को भी सोच के और समझ के निर्णय लिया कि इस कीचक को भीतर ही मारना उचित रहेगा, क्योंकि अगर बाहर द्वंद हो गया तो शोर हो जाएगा और नगर इकट्ठा हो जाएगा। और किस प्रकार से सोच रहे हैं भीमसेन मन में, ओ खड़ा हुआ द्वार पे बोलो हरे, मेरे पूजा पटन लिया भीम ने
आखिर हुआ वही जिसका डर था। आकर के उस कीचक ने हाथ पकड़ लिया भीमसेन का, और दिमाग में एक बात घूम रही है कि आज दासी आ गई और सारे मन चाहे काज होंगे। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा तो क्या हुआ, हाथ का मारा था झटका, 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 I'm